1 ग्राम क्या होगा? प्रोटीन होगा। कैल्शियम की अगर बात कर ली जाए तो 34 mg कैल्शियम कितना होगा? 34 mg। यदि बात कर ली जाए फॉस्फोरस कितना देखने को मिलेगा? 15 mg। कितना भाई? 15 mg। यदि नेक्स्ट वन बात कर ली जाए पोटासियम कितना देखने को मिलेगा? 0.9 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि बात कर ली जाए सोडियम की, किसकी भाई? सोडियम देखने को मिलेगा 0.99 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अपन बात कर रहे हैं 100 ml ऑफ मैच्योर मिल्क ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं विटामिन ए। यदि विटामिन ए की बात कर ली जाए विटामिन ए कितना प्रेजेंट होगा? 172 670 इंटरनेशनल यूनिट क्या प्रेजेंट होगा विटामिन ए। यदि विटामिन डी की बात कर ली जाए विटामिन डी होगा 0.5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट। यदि बात करके चले विटामिन के यदि विटामिन के की बात करें तो कितना होगा? 1.5 मिली इक्विवेलेंट। नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए जिंक की बात कर ली जाए तो 200 मिली इक्विवेलेंट। जिंक कितना प्रेजेंट होगा? 200 मिली इक्विवेलेंट। नेक्स्ट यदि बात करके चले आयरन होगा 0.05 to 0.1 mg पर लीटर। यदि बात कर ली जाए आयरन 0.05 to 0.1 mg per liter। नेक्स्ट वन इस बात कर ली जाए वाटर कितना होगा? 88% इन 100 ml ऑफ मैच्योर मिल्क वाटर 88% कितना होगा? 88% इन 100 ml। सबसे पहले आपने जाना कार्बोहाइड्रेट, किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट होगा? 7 ग्राम। कितना होगा भाई? 7 ग्राम। यदि कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली जाए तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज शुगर। कौन सा शुगर है? लैक्टोज शुगर है, जो कि वो काम करता है अपन ने जाना था फर्स्ट वन, तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कैल्शियम के इंटेस्टाइन के अंदर से। सेकेंड वन क्या काम करता है? इनहेंस द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया या इंटेरो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। यदि कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू जान ली जाए तो 7 ग्राम, यदि लैक्टोज की बात कर ली जाए 7 ग्राम CH2 फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट ना पुणे जाना फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यदि नॉर्मल लेवल की बात कर ली जाए ब्रेस्ट मिल्क के अंदर मैच्योर मिल्क के अंदर 4.2 ग्राम। यदि बात कर ली जाए यह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? माइलिनेशन ऑफ नाउ। नेक्स्ट वन प्रोटीन 1.1 ग्राम। टू प्रोटीन्स बताए थे लैक्टो एल्बुमिन एंड लैक्टो ग्लोबुलिन, दोनों के दोनों अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
नेक्स्ट वन कैल्शियम 34 mg, जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है 34 mg, फॉस्फोरस होता है 15 mg, पोटासियम होता है 1.2 mEq पर लीटर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए सोडियम 0.9 mEq पर लीटर। विटामिन ए 170 to 670 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन डी 0.5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट। यदि बात करके चले विटामिन के का लेवल 1.5 mEq, जिंक 200 mEq, आयरन 0.05 to 0.1 mg एंड वाटर कितना होगा 88% होगा, 88% ऑफ 100 ml वाटर। नेक्स्ट वन लास्ट वन अपन जान लेते हैं हॉर्मोनल रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए कौन कौन सा हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल है? हॉर्मोन आपका एक भी क्वेश्चन पीडियाट्रिक्स के अंदर से बाहर नहीं जाएगा एग्जाम के दौरान, यदि आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे। जो जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के अंदर रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन से। तो आप जान लेते हैं नेक्स्ट वन है हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। हॉर्मोन्स responsible for lactation। यदि बात कर ली जाए तो कौन कौन से हॉर्मोन्स होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टेशन के लिए? फर्स्ट वन होगा बात कर ली जाए प्रोलैक्टिन। कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। प्रोलैक्टिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर synthesis and secretion of a breast milk. It is responsible for synthesis and secretion of ब्रेस्ट मिल्क। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा वह रिस्पॉन्सिबल होगा फर्स्ट वन तो सिंथेसिस करने के लिए और साथ के साथ सिक्रीशन करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क को। कौन से मिल्क को? ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन भी करवाता है और साथ के साथ सिंथेसिस भी करता है। कौन है? प्रोलैक्टिन है। यदि सेकेंड हार्मोन की बात कर ली जाए सेकेंड हार्मोन कौन सा होगा? सेकेंड हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए इजेक्शन ऑफ ए ब्रेस्ट मिल्क। ऑक्सीटोसिन इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ए इजेक्शन द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क को इजेक्ट करने का काम कौन करता है? बाहर निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। कौन करता है भाई? ऑक्सीटोसिन। यह जाना अपन ने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कंप्लीट जान लिया। इससे बाहर आपका कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बिल्कुल सारे करवा दिए। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपने ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जाना क्या ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। एसेंशियल कंपोनेंट है किसके लिए? न्यूबॉर्न बेबी के लिए। क्यों? क्योंकि यह सभी कंपोनेंट को क्या करता है?
रिक्वायर करता है जो कि जरूरी होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट ना पुणे जाना, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब करनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कब, सीजेरियन सेक्शन वाली डिलीवरी है तो उसके अंदर कब करनी चाहिए, बेनिफिट्स के बारे में जाना। यदि बात कर ली जाए जो ब्रेस्ट फीडिंग है प्रोवाइड करनी चाहिए 2 to 3 hours के बाद, और जो फॉर्मूला फीडिंग है 3 to 4 hours। फॉर्मूला फीडिंग के अंदर कितने ml से ज़्यादा मिल के प्रोवाइड नहीं करवाना होता, 30 ml से ज़्यादा। नेक्स्ट ना अपने जाना बेनिफिट से उससे ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यू बॉर्न बेबी के अंदर है कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्टली अपने जाना न्यूट्रेटिव बेनिफिट्स से तो होता है कार्बोहाइड्रेट से, तो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कौन होगा, लैक्टोज शुगर है जो कि क्या है डाइसैकेराइड शुगर है जो कि क्या करती है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बनी होती है जो कि क्या करवाती है जो कि क्या होती है रिस्पॉन्सिबल होती है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए इंटेस्टाइन से, साथ के साथ इनहेंस या इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ए नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया जो कि विटामिन के का सिंथेसाइज करेंगे और ब्लीडिंग की रेजिडेंसी को डिक्रीज करता है। साथ के साथ ये प्रोटीन की बात कर ली जाए तो कौन से टाइप का प्रोटीन पाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर है जो कि इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टो ग्लोबुलिन, साथ के साथ अमीनो एसिड ल्यूसीन एंड सिस्टीन एंड न्यूट्रिन क्या पाए जाते हैं अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ट्यूरिन एंड सिस्टीन, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करने के लिए। साथ के साथ यदि फैट की बात कर ली जाए पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यह किस काम आता है माइलिनेशन ऑफ नर्व। नेक्स्ट अपने प्रोटेक्टिव के बारे में जाना था IgA इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो कि प्रिवेंट करती है बेबी को इन्फेक्शन से, क्योंकि क्या होता है बेबी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है क्या होता है इमेच्योर होता है। नेक्स्ट आप उन्हें जाना बीसी के अंदर क्या पाया जाता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पावा, वह क्या करता है मलेरिया से प्रिवेंट करवाता है बेबी को, बायोफिडल स्पेक्ट्रो होता है इकोलाई से प्रिवेंट करता है, लैक्टोफेरिन होता है किससे एंटेरो बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है न्यूबॉर्न बेबी को। नेक्स्ट अपने मदर के अंदर जाना पीपीएस से प्रिवेंट करती है, नेक्स्ट वर्क एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है। नेक्स्ट आप उन्हें जाना जो एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसको कम करने का काम है करता है, उसमें भी अहम रोल अदा करता है ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट अपने कॉम्प्लिकेशन के बारे में जाना इन्वर्टेड निप्पल रिट्रैक्टेड निप्पल है। नेक्स्ट अपने जाना था नेक्स्ट वन है अपने जाना उसके बाद क्या होता है कंपोलिकेशन के बारे में कंप्लीटली जान लिया, उसके बाद कंपोजिशन के बारे में जाना मदर टेक्निक्स के बारे में जाना एंड लास्ट वन अपने जाना 100 ml क्या लिया था ह्यूमन मिल्क लिया था मैच्योर ह्यूमन मिल्क के उसके अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं हर एक चीज के बारे में जाना। लास्ट वन अपने जाना हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, जो प्रोलैक्टिन होगा वह रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन ऑफ ए ब्रेस्ट मिल्क, तो ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है इजेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क।